गोला थाना क्षेत्र के चाड़ी गांव में चुनावी पार्टी के बाद दो पक्षों में बहस हो गई। इस दौरान गांव के एक व्यक्ति ब्रजेश्वर राय ने अवैध असलहे से गोली चला दी, जो गांव के मृत्युंजय राय को लगी। गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में SP साउथ AK सिंह ने बताया कि ब्रजेश्वर हत्या की कोशिश और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना गोला क्षेत्र के चाणी गांव का मामला है। बीती रात फायर की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर गई, थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी भी मौके पर गए, तो ज्ञात हुआ कि इसी गांव के कई लोगों ने मिल करके बाटी चोखा का कार्यक्रम रखा था और वहीं खाने के बाद जब आ रहे थे तो ब्रजेश्वर नाम का एक लड़का जो आरोपी है, इसमें लड़का क्या वो भी अधेड़ है, 40 साल के आसपास उनकी उम्र है, उन्होंने पंकज नाम के किसी को अपना असलहा दिखाया और कोई बात कही। पंकज को तमंचा दिखाया गया था, शिकायत करने ब्रजेश्वर के घर गए थे। ब्रजेश्वर के पिता ने जब डांटा तो छत पर चढ़ गया और उसने वहीं से फायर किया। उसी में से एक गोली मारकंडे के पैर में रखने के आसपास लग गई थी। लोग उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए थे, खतरे के बाहर था वो, कोई ऐसी इंजरी नहीं थी और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची थी तब तक आरोपी अपनी छत से उतर करके भाग चुका था। अभी भी उसकी तलाश जारी है। तो इसमें क्या क्या जो आरोपी है वो वैध असलहाधारी है कि अवैध रूप से असलहा ले? नहीं, वो असलहा उसका अवैध है, जैसा कि लोगों ने बताया था असलहा उसका अवैध है।